हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। सुबह के बज रहे 9:30 और आज मैं जल्दी उठ चुका हूं भाई, और घर पे कोई नहीं है भाई, तो चलिए भाई खुद से चाय बनाते हैं, खुद से चाय पीते हैं हम और जफर भाई हैं। तो चलिए भाई फटाफट करके चाय बनाते हैं, उसके बाद जैसा भी होता है आपको बताते हैं। भाई आ चुके हैं अंदर घर के और हम चल रहे हैं चाय बनाने भाई, और बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा है तो यहाँ से लाइट जला लेते हैं भाई। यहाँ से लाइट जल चुकी है देख सकते हैं आप, और अब इसमें हम थोड़ा पानी लेंगे। चलिए भाई रख देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं और इसको चढ़ा देते हैं चाय को। 1200 पे कर दिया है, पानी खोलेगा आराम से, उसके बाद हम कप ले लेते हैं यहाँ से। जैसे ही पानी खोलता है वैसे ही फिर चाय बन जाएगी हमारी, और जब तक हम चाय की पत्ती और शक्कर डाल ले रहे हैं। ये रही चाय की पत्ती और ये रही शक्कर, एक एक चम्मच करके डाल लेते हैं। जब तक पानी खोलता है तब तक वेट करते हैं, जैसे ही पानी खोल जाता है फिर इसके अंदर डाल देंगे, बन जाएगी चाय। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भाई मेरे साथ एक पोपट हो चुका है, लाइट चली गई है, अभी अभी चाय चढ़ाए थे, लाइट चली गई फौरन। अब चलते हैं भाई गैस को जलाते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं भाई चाय। आपका भाई गैस जला दिया है और अब इसको उठा लेते हैं आराम से और इस पे रख देते हैं। पानी खोल चुका है अपना और इसको अब गैस को बंद कर देते हैं आराम से, और हमारी चाय समझ लीजिए बन गई है लगभग लगभग। और यहाँ से हमने चाय बत्ती इसमें डाल रखी है, शक्कर डाल रखी है दोनों कप में, तो आराम से निकालते हैं चाय। तो भाई देख सकते हैं आपके भाई ने चाय बना दी है, तो चलिए भाई अंदर चलते हैं। एक जफर भाई की है और एक मेरी है। जफर भाई गए थे नहाने, नहा कर आ ही रहे हैं और चाय निकाल दिया हमने, और मेरी भी चाय है, तो चलिए भाई फटाफट करके चाय पी लेते हैं। लाइट चली गई है रूम में देख सकते हैं आप, फ्लैश लाइट ऑन करके रिकॉर्डिंग कर रहा है आपका भाई, व्लॉग बना रहा है। तो फटाफट करके, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट करके कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लग रहा है व्लॉग आपको मेरा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलिए भाई चाय पीते हैं, और आज जुमा भी है, चाय पीने के बाद जुमा की तैयारी करते हैं। नहा धो लिया आपके भाई ने सुबह ही। गाइस निकल चुके हैं घर के बाहर और आज जुमा है तो हम लोग चल रहे हैं भाई जुमा की नमाज पढ़ने। जफर भाई भी निकल चुके हैं और अम्मी अभी तक आई नहीं है, ना ही अब्बा आए हैं हॉस्पिटल से। चलिए भाई जुमा पढ़ने चलते हैं। तो घर में ताला बंद कर लेते हैं आराम से, ताला बंद हो चुका है भाई, और गेट को खोल लेते हैं आराम से, गेट खुल भी गया है। तो चलिए भाई बाइक को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई बाइक को यहाँ पे खड़ी कर दिया है और सामने मस्जिद है, तो चलिए भाई फटाफट करके नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस नमाज पढ़ के आपका भाई आ चुका है घर, देख सकते हैं आप, ये रहा मेरा घर भाई रेंट वाला। तो चलिए भाई जफर भाई गेट खोल रहे हैं। बहुत जोर के साथ भूख लगी है भाई, क्या ही बताएं यार, अम्मी भी नहीं है, कुछ बना भी नहीं है, हमें लगता है अम्मी सुबह ही चली गई थी और कुछ बनाई भी नहीं है, घर पे कुछ है भी नहीं, बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है। तो चलिए देखते हैं कुछ अगर रखा होगा तो खाते हैं, बाकी आप भी देख लेंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। जफर भाई गेट खोल रहे हैं, तो चलिए भाई फटाफट करके अंदर चलते हैं। तो भाई हम लोग दोबारा से गेट में ताला लगा रहे हैं और चल रहे हैं जफर भाई के साथ। कहाँ जफर भाई बताइए भाई? चल रहे हैं, पहले कबाब पराठा खाएंगे, उसके बाद चलेंगे अम्मी के पास हॉस्पिटल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती हम लोगों की भाई। तो चलिए भाई सुबह से भूखे हैं, 2:30 बज रहे हैं, तो चलिए भाई फटाफट करके कबाब पराठे की दुकान चलते हैं, वहाँ पे एक एक कबाब पराठा बनवाते हैं, एक अपने लिए एक जफर भाई के लिए, और खाते हैं फिर एनर्जी आ जाएगी, फिर चलेंगे अम्मी के पास। बाइक को यहाँ पे खड़ी कर दिया है और आ चुके हैं कबाब पराठे की दुकान पे, तो चलिए भाई कबाब पराठा यहाँ बनवाते हैं, खाते हैं फिर चलते हैं। तो भाई देख सकते हैं सामने ही कबाब पराठा बन रहा है भाई, तो चलिए भाई फटाफट करते हैं। पापा पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या, बात कर रहे हैं ना भाई। कबाब पराठा लेकर आ चुके हैं हम दोनों भाई घंटा घर, और यहीं पे भाई कबाब पराठा हम दोनों लोग तोड़ेंगे, अच्छे से खाएंगे सुकून से, उसके बाद चलेंगे अम्मी के पास। भाई बहुत ही शानदार लग रहा है, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती है, और मुंह से बाहर आ रहा खाना भाई, तो मुंह से बाहर नहीं आने देंगे, जल्दी जल्दी खाते हैं उसके बाद चलते हैं। तो भाई दोनों भाई खा पी के निकल चुके हैं भाई मेडिकल कॉलेज, चलिए भाई फौरन चलते हैं। फाइनली आ चुके हैं मेडिकल कॉलेज और चल रहे हैं भाई अम्मी के पास। जफर भाई भी आ चुके हैं, बाइक को पार्किंग में खड़ी नहीं करे हैं और इधर साइड में कहीं खड़ी कर दी है अच्छी जगह पे। बाकी आप सामने का देख सकते हैं नज़ारा, क्या ही जबरदस्त दिख रहा है भाई। इस वाली बिल्डिंग के आगे चलना है दूसरी वाली बिल्डिंग में जहाँ पे अम्मी लोग हैं, तो भाई इसी वाली बिल्डिंग में चलना है सेकंड फ्लोर पे, और आगे से चलते हैं भाई लेफ्ट, और देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है, ये है अस्पताल ट्रामा सेंटर। तो भाई सारा डॉक्यूमेंट लेकर हम बाहर आ चुके हैं और सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाना है, और चल रहे हैं कैफे भाई के पास, चलिए भाई फटाफट करके करवाते हैं फोटोकॉपी,
उसके बाद आपसे बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी बहुत ज्यादा बिजी है भाई। तो भाई जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी शताब्दी बिल्डिंग है और हमें इसके पीछे चलना है, इसको पूरा पार करके आगे से राइट ले लेना है। और आप देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है भाई साहब, देख सकते हैं। और इधर पानी का टैंकर भी है। बाकी चलिए आगे चलते हैं, आगे से राइट लेना है भाई। यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे भी हैं, काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई। सामने हमारे भाई खड़े हैं और इनको सारे कागजात देने हैं भाई, चलिए चलते हैं। तो भाई सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवा लिया हमने, देख सकते हैं फोटोकॉपी मेरे हाथ में है, डॉक्यूमेंट जफर भाई के हाथ में है। तो चलिए भाई बहुत ज्यादा दौड़ा भागी करनी पड़ रही है, फौरन चल रहे हैं फिर से ट्रामा सेंटर। बाकी भाई वहाँ पे खड़े हैं, फोन ऑन कर रहे हैं भाई हमें, और चलिए चलते हैं। जैसा भी होता है आपको बताते हैं। हॉस्पिटल में भाई बहुत दौड़ना पड़ता है अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में काम करा रहे हैं तो, या तो इतनी आपके पास पहुंच होनी चाहिए। और आपके भाई के पास कुछ भी नहीं है, आपका प्यार है बस। फाइनली आ चुके हैं ट्रामा सेंटर, देख सकते हैं आप, यही है ट्रामा सेंटर भाई। तो चलिए भाई आगे से राइट लेते हैं, एंट्री करते हैं अंदर जाने के लिए। जैसा भी होता है व्लॉग में बने रहिएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जहाँ पे शूट करने का मौका मिलेगा वहाँ शूट करेंगे, जहाँ पे नहीं मिलेगा कोई बात ही नहीं। चलिए इस भाई को हमने फोटोकॉपी दे दी है, भाई सामने ही खड़े हुए हैं। तो भाई अब्बा निकल चुके हैं और अम्मी आगे जा रही हैं, और अब्बा जा रहे हैं, अम्मी अब्बा ऑटो से जाएंगे, बाकी हम जफर भाई बाइक से जाएंगे भाई। तो चलिए भाई चलते हैं, ट्रामा सेंटर से बाहर निकलते हैं। अभी हम लोगों को फिर आना पड़ेगा ट्रामा सेंटर, थोड़ा अभी यहाँ पे काम भी है और ज़रूरत भी है यहाँ पे भाई लोगों को हमारी। बाकी चल रहे हैं भाई, सुबह से कुछ खाए वाए नहीं हम लोग। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं ट्रामा सेंटर से और फौरन चलते हैं घर, अम्मी और अब्बा गए हैं ऑटो से, बाकी चलिए चलते हैं जैसा भी होता बताते हैं। तो भाई फाइनली आ चुके हैं घंटा घर के बाद, देख सकते हैं आप घंटा घर के ऊपर काफी जोरों शोरों से धूप लग रही है भाई। चलिए भाई सीधे चलते हैं अपने घर, ये रहे हम और जफर भाई। बाकी अगर हम लोग अच्छे लग रहे होंगे बिना कुछ खाए पिए तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, बात तो सही है। तो फाइनली गाइस घर पे आ चुके हैं, देख सकते हैं जफर भाई ने गेट खोल दिया दोबारा से, और ये रहा आपका भाई, बहुत ज्यादा थका हारा हुआ घर पे अभी आया है। बाकी चलो भाई ताला वाला खुल रहा है देख लो। चलो भाई घर के अंदर चलते हैं, जैसा भी होता है आपको बताते हैं। बाकी अभी अम्मी भी आ रही हैं ऑटो से, तो अम्मी आ जाएंगी, खाना वाना देंगी तो अच्छा लगेगा, आपको भी दिखाएंगे क्या मिल रहा है क्या नहीं, सुबह से कुछ नहीं मिला है। फाइनली अम्मी आ चुकी हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए भाई चाय अम्मी ने बना दिया है, सुबह से कुछ खाया नहीं था आपने देख ही लिया होगा। बाकी चलिए भाई फटाफट करके चाय पीते हैं अपनी, यहाँ पे जफर भाई लेटे हैं देख सकते हैं आप, मोबाइल चला रहे हैं। तो चलिए भाई फटाफट करके चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई अम्मी जा रही फिर से अस्पताल, अम्मी को चल रहे हैं छोड़ ले, और अम्मी ने चाय वाय बनाई है, अस्पताल जाने के लिए रेडी हो चुकी है। इसमें चाय रखी अम्मी, और ये पानी है भाई, और ये झोला है, तो इसी के अंदर रख देते हैं। अम्मी तैयार हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। सारे लोग बाइक के पास आ चुके हैं, पीछे जफर भाई भी हैं और अम्मी भी हैं। तो चलिए भाई बाइक को घुमाते हैं, सीधा चलते हैं मेडिकल कॉलेज। सारे लोग निकल चुके हैं देख सकते हैं आप, और बाइक हम चला रहे हैं भाई, एक हाथ से शूटिंग और एक हाथ से बाइक चला रहे हैं। चलिए भाई फौरन चलते हैं अस्पताल, अस्पताल के पास मिलते हैं आपसे। तो गाइस लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जफर भाई यहीं रुकेंगे और अम्मी यहाँ पे हैं, बिस्किट वगैरह ले लिया अम्मी ने, और ये रही चाय बोतल वगैरह, तो आराम से इसको रख देते हैं, अम्मी को पकड़ा देते हैं भाई। चलो ठीक भाई जल्दी आओ। हाँ जल्दी आएंगे, चलिए यहाँ पे वेट करिए। तो भाई हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मार चुके हैं और अम्मी के साथ चल रहे हैं भाई, और सामने हॉस्पिटल है देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, और रात में भी हम लोगों को आना पड़ रहा हॉस्पिटल भाई, देख सकते हैं, क्योंकि हमारी कज़न छोटी बहन हमारी अंदर एडमिट है, उसका ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा पैर में उसको दिक्कत थी। बाकी अम्मी को आज शायद रुकना पड़ेगा, बाकी चलिए जैसा भी होता है आपको व्लॉग में पता चलता रहेगा भाई। तो भाई अम्मी को छोड़ दिया हॉस्पिटल में और हम चल रहे हैं नीचे जफर भाई के पास, जैसा होता है आपको बताते हैं। बाकी जफर भाई मेरा नीचे वेट कर रहे हैं, चलिए चलते हैं फौरन। फाइनली गाइस हॉस्पिटल के बाहर आ चुके हैं और जफर भाई मेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ये रहे जफर भाई। तो चलिए भाई बाइक को घुमाते हैं, चलते हैं फौरन घर। तो गाइस हम जफर भाई निकल चुके हैं अस्पताल से और चल रहे हैं फौरन घर, और थोड़ा सामान वगैरह भी लेना है, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस आ चुके हैं घर, देख सकते हैं आप, ये है अपना रेंट वाला घर, और जफर भाई ने आधा किलो रस ले लिया है, सुबह की व्यवस्था टाइट कर दी है, रात की व्यवस्था के लिए भाई लेस ले लिए हैं 4 पैकेट। तो जफर भाई की तो मौज ही मौज है, लो भाई ले जाओ भाई, खाओ पियो मस्त रहो जफर भाई। अरे तुम तो जैसे खाओगे भाई। खाना निकल चुका है, देख सकते हैं अम्मी ने खिचड़ी बनाया था, और ये शानदार रायता है भाई, तो रायता खिचड़ी में डाल के खा रहे हैं हम लोग, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और अभी अम्मी का फोन आया कि आ जाओ लेने के लिए, अम्मी अस्पताल में नहीं रुकेंगी, वहाँ पे सब लोग रुके हैं, और अम्मी को हम लेने जा रहे हैं भाई। तो चलिए चलते हैं बाहर, बाइक को अंदर खड़ी कर दिया था, बाइक को निकालते हैं बाहर, उसके बाद फौरन चलते हैं अम्मी को लेने। हाँ तो भाई बाइक को यहाँ पे खड़ी कर दिया है, देख सकते हैं आप, और जफर भाई नहीं है मेरे साथ। तो चलिए भाई फौरन चलते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज आ चुका है। तो गाइस अम्मी मिल चुकी हैं और अम्मी को साथ में लेके चल रहे हैं घर, चलिए। तो भाई अम्मी और हम आ चुके हैं अस्पताल के बाहर और चल रहे हैं भाई बाइक के पास। तो भाई ये रही अपनी बाइक, जो ये लौंडा बैठा है बिना परमिशन के, और ये रही अपनी बाइक। तो चलो भाई चलते हैं।
फाइनली अम्मी को ले लिया है, रास्ते में है भाई, तो चल रहे हैं फौरन घर। फाइनली गाइस अम्मी आ चुकी है घर। तो भाई आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा व्लॉग कैसा था। और आज हॉस्पिटल ही में सारा दिन हमारा बीत गया भाई, कहीं जाने का मौका नहीं मिला, तो सारा चीज आपने देख ही लिया होगा। तो व्लॉग कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।